हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इट्स कॉजेस। इस वीडियो में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओके, अब हम कुछ किडनी के बेसिक्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इस कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए। तो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है? 1 से 2 लीटर्स पर डे। और यूरिन किस किस चीज से बना होता है? बेसिकली यूरिन जो है वो उस चीज से बना होता है जिसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब उसमें क्या क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है यानी कि एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। कुछ आयंस जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये सब आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इज द बेसिक वेस्ट, मतलब जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा। देन यूरिया, यूरिया प्रेजेंट होगा। यूरिया कैसे बनता है? यूरिया जब हमारे लीवर के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां से यूरिया बनता है। और जब मसल में मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि मसल से प्रोटीन्स को यूज करता है, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो क्रिएटिनिन होता है। तो यही बात है, क्रिएटिनिन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कहां से? मसल ब्रेकडाउन से। और जो यूरिया होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कहां से? लीवर से। तो और जो हम यूरिया को मेजर करते हैं वो हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में मेजर करते हैं। एज अ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम टेस्ट लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है? क्रिएटिनिन। बिकॉज अगर क्रिएटिनिन का लेवल क्लियर सी बात है, क्योंकि जो नेफ्रोन है वो किडनी सॉरी जो नेफ्रोन है वो क्रिएटिनिन को तो कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट कर देता है। क्रिएटिनिन बिल्कुल भी 0% रीअब्सॉर्प्शन होती है क्रिएटिनिन की। तो अगर ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किडनी का फंक्शन जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। और नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर 0.6 से 1.2 mg पर डीएल रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनीज मेक पर मिनट दैट इज फ्री ऑफ क्रिएटिनिन, यानी कि जो ब्लड किडनीज प्योरीफाई करती हैं, फिल्टर करती हैं, जो कि क्रिएटिनिन से फ्री है यानी कि क्रिएटिनिन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसकी जो वैल्यू है वो फीमेल्स में होती है 85 से 125 ml/min और मेल्स में 95 से 140 ml/min। अब इस इन वैल्यूज का जो यूज है ना, ये GFR कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और अलोंग इन वैल्यूज के साथ साथ जो हमारे पेशेंट्स की एज, जेंडर, वेट, रेस, ये सब भी मैटर करती है जब हम GFR मेजर करते हैं। अब GFR क्या होता है? इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट के अंदर किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, ईच किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है। तो नॉर्मल GFR जो होता है हमारा 90 ml/min से 120 ml/min होता है, और इससे भी ज्यादा ही होता है। तो और अगर हमारे किडनी यानी कि GFR जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो उसके साथ क्या क्या होगा? जो यूरिनरी आउटपुट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ओलिगो यूरिया और जो यूरिन है वो कंसेंट्रेटेड होगा। ओलिगो यूरिया यानी कि लेस देन 400 ml/day जो है यूरिन एक्सक्रीट करेगा पेशेंट। और जो फ्लूइड कम होने की वजह से यानी कि यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लूइड कम है और जो यूरिन होगा वो कंसेंट्रेटेड होगा, यानी कि उसके अंदर आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। और जब यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी के अंदर वाटर है, वाटर लेवल है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? एडिमा और हाइपरटेंशन होगी यानी कि फ्लूइड रिटेंशन होगी। फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से बॉडी में एडिमा होगा। एडिमा की लोकेशंस क्या क्या है? पेरी ऑर्बिटल एडिमा यानी कि आईज के ऊपर या फिर एब्डोमेन के अंदर, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, और लेग्स के अंदर, यहाँ पर कॉमन साइट्स है जहां पर एडिमा हो सकता है। और एडिमा होने की वजह से क्या होगा? जो हाइपरटेंशन है वो भी होगा,
ब्लड ज्यादा हो रहा है, यानी कि फ्लूइड जो वो बॉडी में ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो भी ज्यादा होगा, तो हाइपरटेंशन भी होगा। और ब्लड के अंदर क्या होगा, जो वेस्ट है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि जीएफआर जो है वो कम है, यानी कि जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से जो वेस्ट बिल्डअप बॉडी के अंदर, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, एजोटीमिया का मतलब है नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये सब जो है ये ज्यादा हो जाएंगे, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसमें क्या होगा, पोटेशियम यानी कि हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। फॉस्फेट और कैल्शियम जो होते हैं वो अपोजिट रहते हैं हमेशा, क्योंकि अगर कैल्शियम का डिक्री, जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं, और कैल्शियम के डिक्रीज होने की वजह से जो फॉस्फेट है वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, और इसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है। नेक्स्ट इज बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 6 से 20 mg पर डेसीलीटर होती है। और जो यूरिया है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है लीवर के अंदर, वहां से यूरिया प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली जो यूरिया है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है और किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है, बट ड्यू टू लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ये प्रोसेस नहीं हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। और अनदर रीजन इज डिहाइड्रेशन बढ़ने, मतलब यूरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी इंक्रीज होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसको 4 फेजेस के अंदर क्लासिफाई करा हुआ है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, अनदर वन इज ऑलिगोयूरिक, थर्ड वन इज डायूरेसिस, एंड फोर्थ वन इज रिकवरी। तो इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या है, जब कॉजेस से, किडनी के जो कॉजेस हैं उससे लेकर जब तक साइंस एंड सिम्टम्स अपियर होने स्टार्ट होते हैं, वो होता है इनिशिएशन फेज, यानी कि डिजीज जो है वो स्टार्ट हो रही है प्रोग्रेस होना। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये कुछ घंटों से लेकर कुछ आवर्स, कुछ डेज के अंदर जो है वो इंक्रीज यानी कि प्रोग्रेस कर सकती है। और इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, इस फेज के अंदर हमें कॉज को फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट करना, ताकि हम जो लॉन्ग टर्म डैमेज है नेफ्रोन्स का, उससे पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। तो इस फेज में हम एज अ नर्स, हमारा ये रोल होता है। देन सेकेंड, अनदर फेज इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट मोस्ट कॉमन फेज, जिस कंडीशन को लेकर मतलब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आएगा, दिस इज ऑलिगो यूरिक फेज। और ऑलिगो यूरिक फेज एक ऐसा फेज भी है जो कि जब, मतलब ये जो जो फेज है ये कुछ पेशेंट जो है ये स्किप भी कर जाते हैं, और वो डायरेक्टली डायूरेटिक फेज के अंदर पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट फेज के अंदर, जो कि हम अभी बात करेंगे जिसके बारे में। तो ऑलिगो यूरिक फेज में क्या हो रहा है, जो यूरिनरी आउटपुट है दैट इज लेस देन 400 ml पर डे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जीएफआर है वो डिक्रीज हो रहा है, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है, और वो ओलिगो यूरिया की कंडीशन में जा रहा है। अब ये किस किस कंडीशंस की वजह से हो रहा है, या फिर इसकी वजह से, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से क्या क्या कंडीशंस जो है वो हो रही है, यानी कि क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। तो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन जो है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन यानी कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमारे एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, हमें पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देनी है और उसको एनकरेज करना है कि जो प्रोटीन डाइट है उसको कम करे। देन नेक्स्ट इज हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है, मोर देन 5.1 mL/L ये हो रहा है। तो और इसकी वजह से क्या होगा, मतलब हाइपरकैलेमिया ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है पोटेशियम, और उसकी एक्सक्रीशन जो है वो कम हो रही है। तो बेसिकली हम जो पोटेशियम के ऊपर इतना फोकस क्यों रखते हैं, पोटेशियम जो है हमारे कार्डियो, मतलब हार्ट के पर भी अफेक्ट करता है, तो हमें जैसे पोटेशियम का लेवल जैसे ही ज्यादा होगा तो हमें जो ईसीजी है ईसीजी में चेंजेस दिखेंगे, जो टी वेव है वो पीक एंड टॉल टी वेव हमें दिखेगी, क्यूआरएस
जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड होगा और पीआर जो इंटरवेल है वो प्रोलोंग्ड होगा. तो ये ईसीजी में चेंजेस दिखेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम के बारे में बहुत पूछा जाता है. तो क्या क्या हो रहा है, टी वेव जो है वो हाई पीक्ड होगी और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो वाइड होगा और पीआर जो इंटरवेल है वो प्रोलोंग्ड होगा. तो इस कंडीशन में एज अ नर्स क्या रोल होगा, पोटेशियम डाइट जो है उसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना है और ईसीजी और जो भी लैब्स हैं उसे मॉनिटर करना है. देन नेक्स्ट इज जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हाइपर वॉलीमिया हो रहा है और ओलिगो यूरिया हो रहा है, यूरिनरी आउटपुट कम है. यूरिनरी आउटपुट कम होने का रीजन क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा और पल्मोनरी और कार्डियक इश्यूज होने के जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो एज अ नर्स व्हाट इज द रोल, फ्लूइड इनटेक को लिमिट करना है, इनटेक आउटपुट आई एंड डोज को मॉनिटर करना है, डेली वेट मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है और लंग साउंड्स मॉनिटर करना है लाइक क्रैकलिंग. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन क्यों आ रही है, क्योंकि जो पीएच है वो 7.35 से कम है और ये एसिड की कंडीशन होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे, कंफ्यूजन यानी कि मेंटल स्टेटस जो है वो ऑल्टर होगा और उसके अलावा कुश्मोल रेस्पिरेशन इज डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग. एज वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है, तो बॉडी जो है एसिड को कम करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज्यादा एक्सहेल करने की कोशिश करेगी, यानी कि कुश्मोल ब्रीदिंग करेगी, स्लो ब्रीदिंग करेगी, यानी कि स्लोली इंस्पिरेशन एंड स्लोली एक्सपिरेशन, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल हो जाएगा. तो इसके लिए क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन है, सेफ्टी एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना. देन नेक्स्ट सिम्टम इज माइल्ड हाइपोनेट्रेमिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के ऊपर है, माइल्ड हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है, इंक्रीज इन फॉस्फेट एंड डिक्रीज इन कैल्शियम, जैसे कि हमें पता ही है कि ये दोनों अपोजिट होते हैं. देन हाई यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो यूरिन है बहुत ही कंसेंट्रेटेड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन्स प्रेजेंट है. और इस कंडीशन या इस फेज का जो ट्रीटमेंट है वो डायलिसिस है, इसके अलावा और कोई इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट फेज इज डायूरेसिस. डायूरेसिस फेज, इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रोन्स आर ऑन द वे टू रिकवरी, यानी कि नेफ्रोन्स अपने आप को रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हैं वापस, और इसमें यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारा, 1 से 3 लीटर्स तक यूरिनरी आउटपुट होता है और मोर देन 5 लीटर भी यूरिनरी आउटपुट जो है वो जा सकता है. और इसमें क्या होता है, जो ब्लड जो नेफ्रोन्स है वो ब्लड को फिल्टर तो करते हैं बट जो यूरिन है वो कंसेंट्रेटेड नहीं होता. लाइक हमने ओलिगोयूरिक में पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो हाई थी, यानी कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन थी वो भी ज्यादा थी, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो नेफ्रोन्स है वो ब्लड को फिल्टर तो कर रहे हैं पर जो यूरिन है उसको कंसेंट्रेट नहीं कर रही, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और आयन्स जो है वो इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है. और GFR जो है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल स्टेटस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है. और ऑस्मोटिक डायूरेसिस, एक टर्म है ऑस्मोटिक डायूरेसिस, इसका मतलब है कि जो यूरिया है वो हाई अमाउंट में फिल्टर हो रहा है, यानी कि हाई अमाउंट में जो यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है. तो और इसके अलावा क्या क्या मैनिफेस्टेशंस अराइज हो रही है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो रही है बिकॉज इसके अंदर जो डायूरेसिस यानी कि जो यूरिन है वो लेस कंसेंट्रेटेड है और उसमें फ्लूइड ज्यादा है, तो इसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो रहा है. डिहाइड्रेशन ज्यादा, यूरिनरी आउटपुट होने की वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो रही है. हाइपोटेंशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन फ्लूइड ऑफ द बॉडी, फ्लूइड कम होने की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है. हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल जो है वो भी डाउन जा रहा है,
तो और जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी 1.0 से डिक्रीज हो रही है। और इसमें हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगे, इनटेक एंड आउटपुट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, वेट डेली मॉनिटर करना, साइन एंड सिम्टम्स, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करना, आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करना टू हमें, मतलब वापस जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। देन नेक्स्ट फेज इज रिकवरी फेज। रिकवरी फेज कब स्टार्ट होता है, जब जीएफआर नॉर्मल हो जाता है। और इसमें जो यूरिनरी आउटपुट है वो 1 से 2 लीटर होगा यूरिनरी आउटपुट। बन और क्रिएटिनिन लेवल्स से हम वो डिक्रीज होंगे, यानी कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट यानी कि फिल्टर आउट हो रहा होगा किडनी के थ्रू, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी बैलेंस्ड होंगे। और जो हमारा रिकवरी फेज है ये अबाउट 12 मंथ्स ले सकता है पूरा ठीक होने में, और ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है या फिर कितना डैमेज था पेशेंट को, और उसकी एज पर भी मैटर करता है। और कुछ मतलब कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कि मतलब ये रिकवरी फेज तक पहुंच ही नहीं पाते, और वो क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर वाली कंडीशंस के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो दिस इज अबाउट एक्यूट किडनी इंजरी।